बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज आगा शरिया खान फ्रॉम 48 सीटीटी। सबसे पहले तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम मुसलमानों को और तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ज्यादा ईद मुबारक। मुझे आप लोगों से तीन बातें करनी है। पहली बात यह है कि ईद थोड़ी सी मुख्तलिफ है आम सालों की ईदों से, बिकॉज हमें जो है एक पेंडेमिक का सामना है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है, एडवाइस है, सजेशन है कि आप सब लोग SOPs को अच्छी तरीके से फॉलो करें, अपनी भी हिफाजत करें, अपने रिश्तेदारों की भी। दूसरी बात आप लोगों से ये करनी है कि ईद को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करें, लेकिन वो लोग जो माशरे में ज़ईफ़ हैं, फ़ुकरा हैं, गरीब हैं, उन लोगों का खास ख्याल रखें। ख़ास तौर पे ये पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर उन लोगों को अपनी खुशियों में भूलें मत। तीसरी बात ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स के लिए है, ईद को आप सेलिब्रेट करें, 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता अच्छे से सेलिब्रेट करें, लेकिन ये पूरा महीना अपनी स्टडीज़ को इग्नोर मत करें। 1 वीक के बाद अपनी स्टडीज को दोबारा से रीस्टार्ट करें, अच्छे तरीके से रीस्टार्ट करें, एनर्जेटिक वे में रीस्टार्ट करें। और यही वजह है कि हमने ईद के वीक के बाद से आप तमाम लोगों के लिए एक ग्रैंड न्यू बैच करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स का स्टार्ट करने का सोचा है, जिसमें 50 लेक्चर्स होंगे, कॉम्प्रहेंसिव लेक्चर्स होंगे, ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, हम 20 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे। ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करें और करने के बाद जब पढ़ाई भी स्टार्ट करें, एंड इफ़ यू थिंक कि आपको उस बैच में रजिस्टर्ड होना है और आप समझते हैं कि आपको ज़रूरत है, तो उस बैच में ज़रूर रजिस्टर्ड हो। किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्यूरी है रिलेटेड टू प्रिपरेशन, या कोई भी मैसेज करना है, मेरा व्हाट्सएप का नंबर इस यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या डिटेल सेक्शन में मौजूद है, आप लोग मुझे वहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। इन द एंड अगेन तमाम लोगों को ईद मुबारक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। Thank you very much and Allah Hafiz.